तो आज मेरे हाथ में है IQ Z6 5G। अब देखो ये जो फोन है ना, ये सेकेंड हैंड मार्केट में बेचा जा रहा है, क्योंकि यार ये जो डिवाइस है ना IQ का है। बहुत से लोगों को लगता है भाई IQ का डिवाइस है तो गेमिंग के लिए होगा। जिन लोगों के पास पैसा बहुत कम है लेकिन वो गेमिंग के लिए अच्छा सा फोन चाहते हैं, तो वो लोग ना सेकेंड हैंड फोन ढूंढते हैं, क्योंकि देखो कम प्राइस में सेकेंड हैंड में ही गेमिंग फ्लेक्सिबल फोन मिलता है, और जहां पर उसको नया लेने जाओ तो बहुत खर्चा आ जाता है। तो इसलिए बहुत से लोग ना सेकेंड हैंड फोन लेता है। और अगर तुमने कहीं पे IQ Z6 देखा है, तुम्हारा लेने का इच्छा है बट कंफ्यूज हो कि ये लेने के बाद ठीक से गेम चलेगा कि नहीं, अगर लेने के बाद गेम ठीक से नहीं चलेगा तो यार पैसा बर्बाद हो जाएगा, अगर ये सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं यहाँ पर एक प्रॉपर गेमिंग टेस्ट और रिव्यू दूंगा तुम सभी को। क्या ये फोन 2024 में गेमिंग के लिए अच्छा है? क्या ही गेम के बीच में लैग या फ्रेम ड्रॉप तो नहीं होता? कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है और हीटिंग कितना होता है? सब कुछ एकदम डिटेल्स में जानेंगे। तो यार वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और अगर तुम भी IQ Z6 लेने के बारे में सोच रहे हो सेकंड हैंड, तो यार इस वीडियो को देखने के बाद ही डिसाइड करना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस में एक CS रैंक लेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ कि रूम का टेम्परेचर क्या है। देखो यार अभी जिस रूम पे मैं गेम खेल रहा हूँ उस रूम का टेम्परेचर है 31.7 डिग्री, और फोन का टेम्परेचर देखेंगे तो यार देखो फ्रंट के साइड से 31.5 डिग्री और पीछे के साइड से 31 डिग्री के आसपास ये फोन का टेम्परेचर है। तो चलो अब एक CS रैंक स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कितना टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज होता है। तो मैच हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं पूरा गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा, बस मेन फाइटिंग सीन ही दिखाऊंगा। हाँ और एक बात क्लियर कर दूं, अभी मैं यहाँ पर अल्ट्रा सेटिंग पे खेल रहा हूँ, ठीक है। अरे यार बैटरी परसेंटेज कितना है वो तो दिखाना ही भूल गया। ये देखो 55% बैटरी परसेंटेज है और करीब 2 मिनट का गेमिंग हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। हाँ और एक बात दोस्तों, इस फोन का ना स्पीकर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें स्टीरियो स्पीकर है, दोनों साइड से साउंड आता है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा क्लियर और अच्छा साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। अबे यार ये बंदा यहाँ से आ जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा यार ऊपर नहीं आना चाहिए था यार, आज मेरे किस्मत को क्या हो गया यार, कोई भी आके मारे जा रहा है मेरे को। तो देखो यार एक पूरा CS रैंक यहाँ पर खत्म हो चुका है, अभी हम देख लेते हैं कि इस फोन का टेम्परेचर कितना हुआ है एक CS रैंक खेलने के बाद मैक्स सेटिंग पे। ओके एक बात ध्यान रखना, ये जो अल्ट्रा सेटिंग पे है, ठीक है, नॉर्मल सेटिंग नहीं अल्ट्रा सेटिंग पे था, तो इसका जो टेम्परेचर है फ्रंट के साइड से देखो 36.8 37 मान के चलो, और पीछे के साइड से हमारा टेम्परेचर हुआ है 37.7, मतलब 38 के बीच में टेम्परेचर यहाँ पर हो चुका है। तो अभी हम लोग खेलेंगे रैंक मैच भी, एयर रैंक खेलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल आधा घंटे का गेमिंग करेंगे, आधा घंटे गेम प्ले करने के बाद इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है, कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप होता है, सब कुछ देखेंगे। ओके और फिलहाल हम चेक करेंगे कि जंप करते टाइम फ्रेम ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। तो जंप करते टाइम अभी तक कोई भी फ्रेम ड्रॉप हल्का सा फ्रेम ड्रॉप हुआ, हल्का सा। देखो जंप करते टाइम बस इतना सा फ्रेम ड्रॉप हुआ, 1 सेकंड के लिए फ्रेम ड्रॉप हुआ है। यार पिछले वाला मैच पूरा बोट लॉबी था, जिस वजह से मैंने नया मैच स्टार्ट कर लिया है। अब देखो ये जो स्टार्ट हुआ है बर्मुडा पे, अब देखो यहाँ पर मैं मिल पे उतरूंगा और जंप करते टाइम फ्रेम ड्रॉप हो रहा है कि नहीं देखते हैं।
तो यार जंप करते टाइम तो फिलहाल मेरे को इतना सा भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला है, बट पता नहीं नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ था, वहाँ पर इतना सा फ्रेम ड्रॉप देखा था बट यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला है। चलो अब नीचे उतर के देखते हैं कि फाइट के बीच में कोई फ्रेम ड्रॉप आता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर तुम लोग अच्छा खासा सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो तुम लोग संतनु भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। संतनु भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ और वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। देखो यार संतनु भाई का सेकेंड हैंड मोबाइल का बिजनेस है, ये बंदा अच्छा खासा कम प्राइस में सेकेंड हैंड फ़ोन तुमको दे देगा। भाई देखो व्हाट्सअप में पहले तुमको कॉन्टैक्ट करना है, बोलना है मैं एफ4 गेमिंग का सब्सक्राइबर हूँ, इससे तुमको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। और भाई साहब ये बंदा 100% ट्रस्टेड है क्योंकि ये मेरा खुद का दोस्त है और भाई इसका एक शॉप भी है, तुम अगर आसपास में हो तो शॉप पे जाना, वरना तुम घर बैठे भी फोन खरीद सकते हो। बस व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके तुम कंफर्म कर लेना है कौन सा वाला मॉडल लोगे, कितना प्राइस है, सब कुछ तुम व्हाट्सएप पे ही जान सकते हो। फिर भाई साहब तुमको अपना एड्रेस देना है और ये बंदा तुम्हारे एड्रेस पे फोन भेज देगा। तो यार अगर तुमको सेकंड हैंड फोन खरीदना है तो तुम एक बार भाई संतनु भाई से कॉन्टेक्ट करके देखो, पसंद आया तो खरीद लेना वरना यार तुम्हारा मर्जी। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लगभग हमारा 30 मिनट का गेम प्ले ख़त्म हो चुका है, अभी हम फ़ोन का टेम्परेचर लेंगे। तो सामने साइड से फ़ोन का टेम्परेचर है 39.2 डिग्री और पीछे के साइड से टेम्परेचर है 39.4 डिग्री, लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। अभी इसका परसेंटेज देखते हैं, बैटरी परसेंटेज कितना है। देखो करीब 30 मिनट गेमिंग के बाद इसका बैटरी परसेंटेज है 49 है। देखो यार पहले था 55% और गेमिंग के बाद हुआ है 49%, मतलब 6-7% का बैटरी ड्रॉप हमको देखने को मिला है 30 मिनट गेमिंग के बाद। देखो पूरा 30 मिनट तो नहीं हुआ बट 1-2 मिनट इधर उधर है। तो यार इतना देर गेम खेलने के बाद देखो मुझे ना बीच में इतना सा भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला था। हाँ जब मैं नेक्स्ट स्टॉप पे लैंड कर रहा था प्लेन से जंप करते टाइम 1-2 FPS शायद ड्रॉप हुआ था, पता नहीं वो ग्लिच भी हो सकता है। बाकी पूरा मैच में ना इतना जो मैच खेला जंप किया उसमें बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला है। और भाई साहब फ़ोन का बैटरी भाई हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि देखो यार लगभग 30 मिनट गेमिंग के बाद भाई बैटरी परसेंटेज कितना घटा, भाई 6-7% बैटरी परसेंटेज घटा, वो भी अल्ट्रा सेटिंग पे। ठीक है हम अल्ट्रा सेटिंग पे खेल रहे थे फिर भी यार मतलब बैटरी का बैकअप तो बहुत ही अच्छा है। तो बस यार वीडियो इतना था, वीडियो पसंद आता लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।